दोस्तों सवाल है मस्त और मैथ है जबरदस्त। दोस्तों पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ राजा ऑनलाइन क्लासेस पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पठन पाठन क्रिया में व्यस्त होंगे। जी हाँ प्यारे साथियों, आज मैं बहुपद का बहुत ही रोमांचक प्रश्न लेकर आया हूँ, बहुत ही रोमांचक, जो अक्टूबर में परीक्षा हुआ है ना उसमें यह 2 नंबर में पूछा हुआ था। राजा सर यह उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न मैट्रिक में जरूर ही आएगा, 110% आएगा। इस बिना देरी किए इस प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न बनाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अगर इस वीडियो पर, इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, सबसे पहला प्रश्न बहुपद का 2x² प्लस 4x प्लस 2 का विवेचक या विभेदकर, विवेचक या विभेदकर, यहाँ से विवेचक ज्ञात करें, विवेचक या विभेदकर इसको क्या कहते हैं, डी, डी से सूचित किया जाता है। क्या कहते हैं, डी से सूचित किया जाता है, डी। अब बराबर 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 क्या बराबर, डी बराबर, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, आप याद कर लीजिए जल्दी जल्दी, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए इस प्रश्न को इसी फॉर्मूला पर बनाते हैं, विवेचक या विभेदकर। जी हाँ, विवेचक या विभेदकर, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, दिया है 2x² प्लस 4x प्लस 2, और क्या लिखना है, और लिखना है इसको बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, इसमें क्या है, ए x² का गुणांक यानी ए बराबर 2 और बी क्या है, x का गुणांक यानी x के बराबर में, सॉरी बी के बराबर में 4। और उसके बाद सी एक अचर पद है, क्या है, अचर पद है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सी एक अचर पद है तो क्या है, 2 है, कुछ नहीं है। और फॉर्मूला लगाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले बराबर का चिन्ह यानी समीकरण का चिन्ह, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह अक्टूबर 23 की 24 तारीख के यह पेपर में आया हुआ था 2 नंबर यह सवाल। जी हाँ प्यारे साथियों, 2 नंबर में सवाल, डी बराबर बी का जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 4, 4 के जगह 4 रख देते हैं, ए के जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और फिर से ए के जगह क्या रखेंगे, सी के जगह 2 रखेंगे, क्या आएगा, डी बराबर 4 के स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ पर डी बराबर क्या आ चुका है, पहला प्रश्न हल हो चुका है, देखते देखते हल हो चुका है पहला प्रश्न। चलिए अब दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं, चलिए दूसरा प्रश्न बनाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि वही है समीकरण, सॉरी बहुपद वही है, उसका शून्य ज्ञात करना है। सबसे हल्का विधि शून्य का गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि याद कीजिए, पहला गुणे तीसरा, जोड़ घटा के दूसरा। चलिए इसको बनाते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या है, दिया है 2x स्क्वायर 4x प्लस 2, और इसका शून्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, तो पहला गुणे तीसरा यानी 2x स्क्वायर को हम 2 से गुना करेंगे तो आएगा 4x, और 4x को ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर 4x हो, तो हम 2x और 2x को करते हैं मतलब खंड, यानी कि यहाँ पर बराबर के चिन्ह देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2, बस 2 2 2। उसके बाद क्या करना है, 2x को कॉमन करना है, x प्लस 1 यहाँ बचेगा, उसके बाद यहाँ पर भी करना है प्लस, प्लस का 2x कॉमन करेंगे, सॉरी 2 करना होगा, x प्लस 1 बचेगा, उसके बाद क्या करना है, करना है कुछ नहीं, 2x प्लस का 2, और उसके बाद x प्लस का वन, उसके बाद करना है इसका शून्य ज्ञात करना है, तो इसके बराबर में 0 और इसके बराबर में 0 करते हैं, 2x प्लस 2 बराबर 0, और इधर भी करते हैं x प्लस 1 बराबर 0। इतना तक जरूर है कि समझ में आया होगा। अगला बढ़ते हैं, शून्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पर x बराबर माइनस का 2 बटा में चल जाएगा 2, एकदम शॉर्ट ले रहे हैं बिल्कुल, x बराबर माइनस का 1 और x बराबर ये भी माइनस का 1 आया है, यानी हमारा आंसर माइनस 1 और माइनस 1 है।
माइनस वन और माइनस वन, यही हमारा आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।